तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया मोनोपोली स्टॉक लेकर के आ गए हैं। और आज हमने तीन स्टॉक लगातार बैक टू बैक आपके लिए मोनोपोली स्टॉक लेकर के आए हैं। और ये तीन स्टॉक निकल गया, ठीक है, मोनोपोली हो गया है। और एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, वो भी मोनोपोली ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये BSE और NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप है 7,650 करोड़ का, यानी 7,650 करोड़ का करंट भाई चल रहा है। 1500 हाई लगा चुका है 1697, लो है 1142 का। स्टॉक पी है 38, बुक वैल्यू 281। कंपनी डिविडेंड एल्ड प्रोवाइड करती है 1.16% की। ROCE है 10%, ROE है 8%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, ठीक है, बने रहना यार, लास्ट तक सभी होल्डिंग फोल्डिंग सब दिखेंगे, टेंशन मत लेना। हाँ भाई, हो ना, डेप टू इक्विटी रेसी 0, यानी कंपनी के पास कर्ज नहीं है। एनुअल प्रॉफिट 143 करोड़ का और कर्ज है 68 लाख। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.10%। इंडस्ट्रीज पी है 22, EPS 35, फ्री कैश फ्लो 310 करोड़ का है, यानी कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। प्लस परसेंट है बिल्कुल 0 है। अगर हम लोग प्रोस की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 63% पे आउट। कंपनी अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट करती है। मीन सिलोरियन सेक्टर का ये स्टॉक है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो दिसंबर वाले क्वार्टर में 32 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, सितंबर में 64 और जून में 49, मार्च में 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी को। यानी कंपनी ये क्वार्टरली बेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर में, सितंबर में हुआ है 63 और जून में हुआ है 41, मार्च में हुआ 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पर अगर चेकआउट करें हम लोग तो TTM में 198 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, 2022 में 161, 2021 में 185, 2020 में 178 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है TTM में, 2022 में हुआ 143, 2020 में 2021 में हुआ 225, 2020 में हुआ है 236 करोड़ का। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है 2022 में, लेकिन फिर से TTM में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये स्टॉक, पहले से अच्छा प्रॉफिट ला रही है। कभी कभी हो सकता है कम प्रॉफिट आए, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा आएगा स्टॉक को, ठीक है। अगर हम लोग डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 62% का डिविडेंड पे आउट कर, बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। 2022 में 62% का डिविडेंड पे आउट की है, 2021 में 62, 2020 में 65, 2019 में 70-80% का डिविडेंड पे आउट करती है। 60% से ऊपर का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, उससे पहले 40-41-37% की डिविडेंड पे आउट कर रही थी। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 साल में -4, 5 साल में 7, 3 साल में 7%, TTM में 36%। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में -9, 5 साल में 1%, 3 साल में -10 और TTM में 35%। स्टॉक प्राइस ये जेर की अगर बात करें, 10 साल में 6%, 5 साल में 16%, 3 साल में 20% और 1 साल में 6%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 11%, 5 साल में 10%, 3 साल में 12%, लास्ट ईयर 8%। अगर बैलेंस शीट चेकआउट करें कंपनी की, तो रिजर्व है कंपनी के पास 1380 करोड़ का और प्रॉविंग यानी कर्ज है 1 करोड़। और इनका रिजर्व हर क्वार्टर हर साल इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास कैश फ्लो 391 करोड़ का, नेट कैश फ्लो है 107 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो देखो, FIIS के पास 25.77% की होल्डिंग है और DIIS के पास 52.82% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास मात्र 21% की होल्डिंग है। सारा होल्डिंग FIIS के पास है और पब्लिक के पास 21% की मात्र होल्डिंग है।
अगर इस स्टॉक के अंदर हम लोग देखें DIIS की होल्डिंग, तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग कोटक महिंद्रा बैंक का है इस स्टॉक के अंदर। और भी बहुत सारी होल्डिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा किसने लगाया है? कोटक ने। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में है ये स्टॉक, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकती है ये स्टॉक। मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों। स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दूँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इन इंडिया फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज, पहला ये लिस्टेड एक्सचेंज कंपनी है। इट वॉज कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज डेट फैसिलिटी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन ट्रेडली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्राइस डिस्कवर एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इस स्टॉक के अंदर कम से कम अपने पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो जो भी है 1 लाख 10 लाख जो भी है, उसका अगर 10,000 है, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसका 3-4% इस स्टॉक के अंदर आप अपना वो बना करके चल सकते हो। 10 लाख है तो भी 3-4% ज़्यादा की होल्डिंग किसी स्टॉक में नहीं रखा जाता है, ठीक है। या तो 3-4% कम लग रहा हो तो 7-8% कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक के ऊपर निर्भर रहना बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह से किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपको उसके ऊपर नहीं रहना, डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो फिर तो आप देख सकते हो कि अभी ये स्टॉक ना एक ट्रेड लाइन पे ट्रेड करता हुआ हमें मिल रहा है, ठीक है। हमेशा इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट करता है ये स्टॉक, और इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ भागता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अभी करंट टाइम में आप जो भी इसका प्राइस है, इस प्राइस में बाई करके चल सकते हो, या फिर अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो। बहुत ही जल्द आपको 1314 के प्राइस में, 1380 के प्राइस में, 1290 1300 के रेंज में आ सकता है ये स्टॉक कभी भी। और ये प्राइस भी अब बाइंग जोन बनता है, यहाँ भी बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो ये स्टॉक हमेशा अपने सपोर्ट को फॉलो करता है, अपने ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ही ऊपर की तरफ जाता है। तो इस स्टॉक को आप यहाँ बाय करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। यहाँ बाय करोगे तो आपका टारगेट निकल के आएगा क्या, 2200, 2120 और 2120, 2100, 2200 का रेंज आपका निकल के आ रहा है, अगर करंट प्राइस में यहाँ से बाय करते हो। ये स्टॉक इस लेवल से अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर चौवालीस परसेंट का रिटर्न बना करके दे सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर नीचे आता ये स्टॉक तो लॉस कितना हो सकता है, आप कितना लॉस ले रहे हो, 18% का लॉस दिखला सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसे ऊपर ही भागना है, ठीक है। अगर लॉस दिखलाए तो शॉर्ट टर्म में यही लॉस दिखला सकता है 18% का, अगर आप इस लेवल पे बाई कर लेते हैं, इस लेवल पे बाई कर लेते हैं तो आपका टारगेट 62% का रिटर्न बना करके बहुत इजीली दे सकता है कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो इस स्टॉक को यहाँ कहीं बाई करो, करंट प्राइस में बाई करो, या फिर नीचे के लेवल में मिले तो पक्का एवरेज करके चल सकते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो बहुत जल्द ऊपर भी आएगा ये स्टॉक, और हमेशा ही एक ट्रेड लाइन में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें मिलता है। तो इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया ना कि बाई और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करना है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।